बचपन में थे तो ऐसे बेशुमार वाकयात हमें गांव में आए दिन देखने को मिलते थे। वो घर जो बड़े घर होते थे, जहां माली हालत बेहतर थी, तो वो उन लोगों को जिनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी या जो काम करते थे उनमें हमेशा एक तफरीक रखते थे। वो तफरीक हमने मर्दों को भी करते देखा है और औरतों को भी करते देखा है, और खास तौर पे औरतों को करते देखा है। फिर हम जब शहर आए, बेहतरीन इलाका, अलीट लोग, हाई क्लास प्रोफाइल्स, आला पढ़े लिखे लोग, मगर वो भी तफरीक करते हैं, वो भी रेसिज्म को अडॉप्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बेहतरीन होंगे। यहाँ एक पोस्ट शेयर किया जाएगा। वो पोस्ट एक काफी फेमस ग्रुप का है, टू रिंग्स नाम है, जहाँ लोग डिफरेंट प्रपोजल और इससे मुतल्लिक पोस्ट शेयर करते हैं। मगर ये एक वाहिद पोस्ट नहीं, इस तरह के कई पोस्ट जहन से गुजरे हैं। इस पोस्ट के नीचे देखें तो यहाँ लिखा होगा, नाइदर पंजाबी नार सिंधी बलोची, एंड इफ यू आर उर्दू स्पीकिंग कॉल योर सेल्फ मुहाजिर। जबकि तमाम उर्दू बोलने वाले मुहाजिर नहीं, और ये जो टैग हमने दिए जाते हैं वो टैग किसी तरह से दुरुस्त नहीं। उर्दू पाकिस्तान की कौमी जुबान है, हर खित्ते हर इलाके के लोग बोलते हैं और उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है। वो ना मुहाजिर हैं, ना बलोची हैं, ना सिंधी हैं, ना पंजाबी हैं, वो पाकिस्तानी हैं और उन्हें पाकिस्तानी ही कहा जाता है। ये चीज रेसिज्म में आती है। रेसिज्म कहा जाता है नस्ल परस्ती को। हमारे यहाँ पाकिस्तान में नस्ल परस्ती बहुत आम है। ये कहेंगे मुझे समझाने के लिए बाथरूम में ले गए, इन्होंने गाली दिखा दी थी बड़ा इन्होंने रिस्क लिया पठान के नाल, मैं बाथरूम में जाऊंगा। हमें बहुत सारे ऐसे केसेस देखने और सुनने को मिलते हैं जहां इंसानों में तफरीक की जाती है, वो चाहे किसी मजहबी तो फरके के बुनियाद पर हो, किसी नस्ल की बुनियाद पर हो, किसी रंग की बुनियाद पर हो। और ऐसा अमूमन तासुर है कि नस्ल परस्ती अनपढ़ लोगों में होती है। आपको ये जानकर शायद दुख होगा कि नस्ल परस्ती ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, ज्यादातर इसको फैलाने वाले भी वही हैं, इसको प्रमोट करने वाले भी वही हैं। क्यों लोग आपस में लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे की जान लेने को भी तैयार हो जाते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, उनके दिमाग को फीड किया जाता है। और उनको दिमाग को फीड करने वाले कौन है? वो लोग जो पावर में है, वो हमारे मौलाना होंगे, वो हमारे बड़े होंगे, साजा होंगे, वो कोई लीडर होंगे जो उनके अंदर ये चीज फीड करते हैं, जिसके नतीजे में ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं। नस्ल परस्ती बहुत आम है। अगर हम इनकार करें कि हमें बचपन में ऐसे कोई वाकयात देखने और सुनने को नहीं मिलते, तो हम शायद झूठ बोलेंगे। अगर हम कहें कि पाकिस्तान में ही ऐसा है, तो ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है। अमेरिका, जिसे हम आइडियलाइज करते हैं, जहां हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वहां सबसे ज्यादा लोग रेसिज्म का शिकार हैं। हर एक को अपनी जात अपनी नस्ल के ऊपर एक फखर होता है, और वो दूसरे को ऐसी ही निगाहों से देखता है जैसे वो उस काबिल नहीं या उसकी उतनी इज्जत नहीं की जानी चाहिए। और ये सब चीजें आपकी पावर, आपकी दौलत, आपके इल्म के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। पढ़ा लिखा समझता है कि अनपढ़ किसी काबिल नहीं, माल वाला समझता है कि जिनके पास माल नहीं वो किसी जोगे नहीं। तो तफरीक तो हर जगह है। हमें टेक्नोलॉजी का शुक्रगुजार होना चाहिए या गम करना चाहिए, वो एक अलग बात है। मगर इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें पता चलता है कि ये कितनी ज्यादा है
और दूसरा, लोग इसको संजीदा भी लेने लग पड़े हैं, लोग इस पर आवाज भी उठाते हैं, लोग बोलना शुरू हो गए हैं। मगर मसला क्या है? मसला ये है कि हम जो आवाज उठाने वाले हैं, बाज़ औक़ात हम ही वो लोग होते हैं जो तफरीक कर रहे होते हैं। सारे आईना कोई और है, बस ये आईना कोई और है।